महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से 1 करोड़ रुपए का लोन वितरण किया गया है, जिनमें महिला ग्रुप बनाकर अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। वहीं लोन लेने वाली महिलाओं का कहना है कि सरकार का यह सराहनीय कदम है क्योंकि उन्हें भी रोजगार मिला है। और मेरा जिला रोहतक है, तहसील कलान हो रहा है। अच्छा ज्योति, बताइए किस लिए लोन लिया? मैं लेना चाहती हूँ अपने सिलाई का कारोबार या अपने कपड़े की दुकान हो, ब्यूटी पार्लर हो, ये चीज़ करना चाहती हूँ। और अभी लोन के हिसाब से मैं सिलाई मशीन लेना चाहती हूँ। ये सिलाई मशीन लेके अपना कारोबार आगे कर सकूँ और अपनी ब्यूटी पार्लर होगी, जैसे लगते कपड़े की दुकान होगी, वे करना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उम्मीद के अनुसार तो दे रहे हैं, जो कि आप किसी एक पास ऐसे जुड़ते नहीं हैं, तो क्या आप तो लोन के अनुसार अपना काम आगे कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज रोहतक कोऑपरेटिव बैंक द्वारा 50 समूह को 1 करोड़ का चेक हमारे हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अनुज यादव जी, हमारे रोहतक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री हरीश कौशिक जी द्वारा उन बहनों को दिया है जो अपने पैरों पर खड़े हों, अपना व्यवसाय करें। आज ये कार्यक्रम के माध्यम से इनको 1 करोड़ रुपए का चेक।